आज हम देखेंगे वोल्टेज एंड फीडबैक एम्पलीफायर का एक पैरामीटर दैट इज द इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक। इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक इसको हम डिनोट करते हैं RIF से। RIF मतलब इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक। इसको हम फाइंड आउट करेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस हियर विद द फीडबैक इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज टू द सोर्स करंट। तो ये हो जाएगा Vin डिवाइड बाय Is, इनपुट वोल्टेज और सोर्स करंट का हम जो रेशियो लेंगे वो ही रहेगा हमारा इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक। तो यहाँ पे जो सोर्स करंट है Is वो रहेगा हमारा Iin प्लस If। जो करंट फ्लो होगा R1 और RF में से वो रहेगा हमारा सोर्स करंट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे RIF इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय IS की वैल्यू पुट करेंगे हम IN इनपुट करंट प्लस फीडबैक करंट IF। अगर IF जो फीडबैक करंट है उसकी वैल्यू है हमारे पास बीटा VO। बीटा मतलब जो फीडबैक सर्किट है उसका गेन और VO जो है वो आउटपुट वोल्टेज है। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो RIF मिल जाएगा हमें इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट करंट प्लस बीटा VO। बीटा मतलब गेन और VO मतलब आउटपुट वोल्टेज। पर अगर गेन जो है ये जो गेन है ऑप-एम्प एम्पलीफायर का जो गेन है वो है हमारे पास आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट। तो इसके ऊपर से हम आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा A मल्टीप्लाई बाय Iin गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे RIF में पुट कर देंगे तो RIF हमें मिल जाएगा इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय दिस इनपुट करंट Iin प्लस बीटा और VO की वैल्यू पुट करेंगे A मल्टीप्लाई बाय Iin। A मल्टीप्लाई बाय Iin मतलब इनपुट करंट। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी इनपुट वोल्टेज Vin डिवाइड बाय Iin को हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा 1 प्लस ए बीटा मिल जाएगा। Iin को यहाँ से इस टर्म से अगर हम कॉमन निकाल लेते तो हमें मिलेगा 1 प्लस ए बीटा। यहाँ पे Vin डिवाइड बाय Iin मतलब पोटेंशियल वोल्टेज इनपुट पोटेंशियल वोल्टेज टू द इनपुट करंट। ये जो रेशियो है इसको हम RI सपोज करेंगे। RI मतलब इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक। तो Vin डिवाइड बाय Iin को Rin पुट करेंगे हम लोग। RI पुट करेंगे तो RI इंटू RI डिवाइड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस ए बीटा। ड्यू टू दिस नेगेटिव फीडबैक इनपुट इम्पेडेंस डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा। इनपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक जो है ड्यू टू दिस द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर ये डिक्रीज होता जाएगा बाय द फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। ये हो गया RIF इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक।